नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन अ न्यूबॉर्न। किसी न्यूबॉर्न बेबी में कौन सी फाइंडिंग मिलने पर आप ये मानेंगे कि उसे पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीड करवाया जा रहा है? पासेज ऑफ यूरिन 8 to 10 टाइम्स पर डे, दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास करना, ऑप्शन बी क्राइज फ्रीक्वेंटली लगातार रोना, ऑप्शन सी रेस्टलेस यानी बेचैन होना, ऑप्शन डी गुड सकिंग रिफ्लेक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पासेज यूरिन 8 to 10 टाइम्स पर डे। अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास कर रहा है तो इसका मतलब है उसे पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है। आइए ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी बच्चे को जन्म के बाद जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू कर देना चाहिए। बच्चे की उम्र जब तक 6 महीने तक नहीं हो जाती उसे केवल ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना चाहिए। इवन वाटर भी उनके लिए इसेंशियल नहीं है आउटसाइड से देना। ब्रेस्ट मिल्क में ही सभी चीज़ें मौजूद रहती हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। इसके अलावा जन्म के बाद मदर का जो पीला गाढ़ा दूध होता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसे बच्चों को पिलाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि बच्चे को डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। 6 महीने बाद बच्चों की बॉडी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ और सब्सटेंसेस को खाने में दिया जाने लगता है। इसे हम वीनिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। बच्चे को 2 साल की उम्र तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जा सकता है। मिल्क के फॉर्मेशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन इसेंशियल होता है, जबकि मिल्क को ब्रेस्ट से बच्चे के माउथ तक पहुंचाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ब्रेस्ट मिल्क का ब्रेस्ट से बाहर आना मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के रूप में जाना जाता है। अगर किसी वुमेन में लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन द्वारा बेबी बर्थ हुआ है तो उसे बच्चे को जन्म देने के 4 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा देना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क की बात की जाए तो ब्रेस्ट मिल्क को हम 4 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉम, ट्रांसिशनल मिल्क, प्री मैच्योर मिल्क एंड मैच्योर मिल्क। जन्म के बाद मदर के ब्रेस्ट से जो सबसे पहले मिल्क निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। ये शुरुआती 3 दिनों के अंदर देखने को मिलता है। ये अमाउंट में कम होता है, येलो होता है, थिक होता है और इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस ब्रेस्ट मिल्क की सबसे खासियत यह है कि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाए जाते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोलेस्ट्रॉम के बाद जो मिल्क सिक्रीट होने लगता है उसे हम ट्रांसिशनल मिल्क का नाम देते हैं। 4th दिन से करीब इसका सिक्रीशन शुरू हो जाता है जो कि 7 से 10 दिन तक लगभग आता है। कोलेस्ट्रॉम की तुलना में ये मिल्क काफ़ी पतला होता है और इसकी जो थिकनेस है, अमाउंट है, वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैच्योर मिल्क की जो कि 3rd टाइप है। इस प्रकार के मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ये मिल्क लगभग 2 सप्ताह बाद सिक्रीट होता है और इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है फॉर मिल्क और दूसरा होता है हिंड मिल्क। जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना शुरू करता है तो शुरुआत में जो मिल्क निकलेगा उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और इसे हम फॉर मिल्क के नाम से जानते हैं, जो कि बच्चे की थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है यानी बच्चे की प्यास को बुझाता है। और आखिरी में जो मिल्क आता है जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है,
ये बच्चे की हंगर को सेटिस्फाई करता है यानी भूख को मिटाता है। तो याद रखिएगा, मैच्योर मिल्क के दो पार्ट्स हम कर सकते हैं। शुरुआत में जो मिल्क आता है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, ये बच्चे की प्यास को मिटाता है, और आखिरी वाला जो मिल्क पार्ट है वो हिंड मिल्क कहलाता है, जो कि बच्चे की हंगर को शांत करता है क्योंकि इसके अंदर फैट मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। मिल्क की सबसे आखिरी कैटेगरी होती है प्री मैच्योर मिल्क। ये मिल्क उन मदर्स के अंदर देखने को मिलता है जिन्होंने प्री टर्म डिलीवरी किया है, यानी कि जिनमें 37 वीक से पहले बच्चे ने जन्म ले लिया है। ऐसी मदर्स से निकलने वाला जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसे हम प्री मैच्योर मिल्क के रूप में जानते हैं। एग्जाम में इस चीज को भी पूछा जा सकता है कि किन किन कंडीशंस के अंदर मदर द्वारा ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया जा सकता। तो याद रखिएगा, अगर मदर को HIV इंफेक्शन है, मदर कीमोथेरेपी ले रही है, या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स चल रही हैं, रेडिएशन थेरेपी चल रही है, टीबी है, चिकन पॉक्स है, तो ऐसी मदर्स बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें मदर तो हेल्दी है लेकिन बच्चे हेल्दी नहीं है, ऐसी कंडीशन में भी बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चे को लैक्टोज इनटॉलरेंस है, गैलेक्टोसीमिया है, या फिर ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है, तो ऐसी कंडीशन में भी ब्रेस्ट फीड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कर लिया है, निकाल लिया है, तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर 6 से 8 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने इस मिल्क को रेफ्रिजरेटर में रखा है तो 24 आवर्स तक आप इसे काम में ले सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने इसे फ्रीजर में रखा है तो आप 3 महीने तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से रहता है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कब कब करवानी है, कितने इंटरवल में करवानी है। तो याद रखिएगा, 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 बार आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, या इसे आप यूं कह सकते हैं कि हर 2 घंटे बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है, या फिर बच्चा जब भी डिमांड करे यानी जब भी बच्चा क्राई करे तब हमें उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। इस टॉपिक से यहाँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगभग हमने कवर किए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंसुलिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम, इनमें से इंसुलिन किन सेल्स द्वारा सिक्रीट होता है? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, गामा सेल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बीटा सेल्स। पैंक्रियास की बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का सिक्रीशन किया जाता है। पैंक्रियास की अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है, और पैंक्रियास की डेल्टा सेल्स के द्वारा सोमेटो स्टेटिन का सिक्रीशन किया जाता है। पैंक्रियास में पीपी नाम से और सेल्स पाई जाती हैं जो कि पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करती हैं। नेक्स्ट पोजीशंस की बात करेंगे। टोटल हिप रिप्लेसमेंट होने पर पेशेंट को हमेशा सुपाइन पोजीशन देकर एबडक्शन मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। एबडक्शन का मतलब हो गया अपने पैरों को एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर रखना। हाइपोफाइसेक्टॉमी प्रोसेस के द्वारा हम पिट्यूटरी ग्लैंड को नेजल रूट से बाहर रिमूव करते हैं, और इसके लिए एलिवेटेड हेड पोजीशन काम में ली जाती है। फेस एरिया में बर्न होने पर हेड को एलिवेटेड रखा जाता है। किसी पर्सन में कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान हेड एलिवेशन किया जाता है जो कि 30 डिग्री से कम होना चाहिए। मेल पर्सन के अंदर कैथेटर लगाते समय सुपाइन पोजीशन दी जाती है। फीमेल कैथेटराइजेशन के दौरान डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन बेस्ट मानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज टू एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन अडल्ट, हाउ शुड दिस बी एडमिनिस्टर्ड? किसी पेशेंट में यदि आयरन का इंजेक्शन लगाना हो तो उसे कैसे लगाया जाएगा? ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस इन आर्म, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल इन फोरआर्म, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर इन डेल्टॉइड, ऑप्शन डी जेड ट्रैक आईएम इंजेक्शन एट ग्लूटियस मसल्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आयरन इंजेक्शन को हमेशा जेड ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ग्लूटियल मसल्स में डीपली लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल गिविंग एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द जेड ट्रैक टेक्निक इज यूज्ड टू। किसी क्लाइंट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए जेड ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? रिड्यूस पेन, अवॉइड पंक्चरिंग अ ब्लड वेसल, अलाउ द ड्रग टू बी स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ टिश्यू, प्रिवेंट बैकवर्ड लीकेज ऑफ द मेडिकेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रिवेंट बैकवर्ड लीकेज ऑफ मेडिकेशन। किसी भी क्लाइंट में अगर कोई ऐसी मेडिसिन एडमिनिस्टर की जा रही है जो कि वापस बॉडी से बाहर आ सकती है, लीकेज हो सकता है, तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को जेड ट्रैक टेक्निक द्वारा लगाया जाता है। इस टेक्निक के इस्तेमाल से जो मेडिसिन होती है वो अंदर डिलीवर करने के बाद कुछ इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वापस बाहर ना आ जाए। आइए शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं जेड ट्रैक टेक्निक कैसे इस्तेमाल की जाती है। जेड ट्रैक टेक्निक में आईएम इंजेक्शन लगाते समय जिस एरिया में आपको इंजेक्शन लगाना है उस एरिया के सुपरफिशियल टिश्यूज यानी कि स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को हम एक हाथ से एक तरफ खींच कर रखते हैं और फिर निडल को इंसर्ट किया जाता है डीपली मसल्स के अंदर। फिर हम धीरे धीरे मेडिसिन को मसल्स में डिलीवर करवाते हैं और फिर 10 सेकेंड तक निडल को उसी जगह पर रखते हैं और फिर धीरे से निडल को बाहर निकाल लिया जाता है और स्किन को छोड़ देते हैं। जैसे ही आप स्किन को छोड़ेंगे तो ये स्किन वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी और जिस जगह आपने मेडिसिन इंजेक्ट की है वहां से लेकर बाहर आने तक एक जेड ट्रैक बन जाएगा जिसके कारण ये मेडिसिन वापस बाहर नहीं आ पाएगी और यही सिंपल प्रोसेस है जेड ट्रैक टेक्निक मेथड का। इस मेथड के द्वारा आप आयरन सॉर्बिटल, आयरन डेक्स्ट्रॉन इस तरह के इंजेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं स्किन को इरिटेट करती हैं, स्टेनिंग करती हैं। मोस्टली आईएम इंजेक्शन जेड ट्रैक टेक्निक द्वारा आप जब भी लगाएं इसके लिए डीप ग्लूटियल मसल्स का इस्तेमाल करें या इसे आप वेंट्रो ग्लूटियल मसल्स पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को। पहला है सुलीवियन इंडेक्स। सुलीवियन इंडेक्स आल्सो नोन एज डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ मेथड टू कंप्यूट लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। सुलीवियन इंडेक्स किसी भी व्यक्ति के जीवन का वह समय है जिसमें वो बिना किसी डिजीज या डिसेबिलिटी के था, यानी कि बिना किसी डिजीज या डिसेबिलिटी के
व्यक्ति ने अपनी जीवन का कितना समय बिताया उसे हम सुलिवियन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिले। डिले का फुल फॉर्म होता है डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स डिले रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लॉस्ट ड्यू टू इलनेस, डिसेबिलिटी और प्री मेच्योर डेथ। इट इज अ मेनली अ मेजर ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी डिजीज या डिसेबिलिटी के साथ लाइफ का कितना समय बिताया गया इसे हम डिले के नाम से जानते हैं। किसी भी कंट्री में वहां के लोगों की वजह से डिजीज का कितना बर्डन है इसे कैलकुलेट करने के लिए डिले का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली कहें तो सुलिवियन इंडेक्स का मतलब है पर्सन ने बिना किसी डिजीज या डिसेबिलिटी के लाइफ का कितना समय बिताया, और डिले का मतलब है डिजीज के साथ व्यक्ति ने कितना समय बिताया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रोसीजर्स में कौन सी पोजीशन देना सबसे बेहतर माना जाता है। जैसे कि लेमिनेक्टोमी प्रोसेस में स्ट्रेट पोजीशन दी जाती है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होने पर सेमी फॉवलर्स पोजीशन दी जाती है। लंबर पंक्चर करने से पहले पेशेंट को सी शेप पोजीशन या लेटरल पोजीशन दी जाती है। लंबर पंक्चर होने के बाद सुपाइन पोजीशन दी जाती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने पर स्ट्रेट पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। इनमें से रामसे स्केल किस चीज के असेसमेंट में काम लिया जाता है। सिडेशन, एनजीएस पेशेंट, पेन, अराउजल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिडेशन। आइए कुछ और स्केल्स हैं जो कि सिडेशन में काम में लिए जाते हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली अगर आप नॉर्सेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो। एम्स नॉर्सेट 2023 एग्जाम के लिए ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे रिचमंड एजिटेशन सिडेसिन स्केल की, जिसे रास कहा जाता है। रिचमंड एजिटेशन सिडेशन स्केल, इसका इस्तेमाल पर्सन कितना सिडेट हुआ है इस चीज को रेट करने के लिए किया जाता है। सेकेंड सिडेशन स्कोरिंग स्केल है रामसे सिडेटिव सिडेशन स्केल, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। थर्ड आता है सिडेशन एजिटेशन स्केल, SAS। फोर्थ है ऑब्जर्व्स असेसमेंट अलर्टनेस सिडेशन स्केल, ऑब्जर्वर्स असेसमेंट ऑफ अलर्टनेस सिडेशन स्केल। लास्ट आता है मोटार एक्टिविटी असेसमेंट स्केल, मोटार एक्टिविटी असेसमेंट स्केल मास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन के इज इसेंशियल फॉर। इनमें से किस पर्पस के लिए विटामिन के आवश्यक माना जाता है। ब्लड विस्कोसिटी के लिए, ब्लड थिनिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए या ब्लड थिकनिंग के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारे शरीर में अगर विटामिन के नहीं हो तो लीवर में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, और क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी अगर शरीर में होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, और ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो पर्सन में ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी।
विटामिन के की दो फॉर्म्स मोस्टली देखी जाती हैं। पहला है विटामिन K1, जिसे आप फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, और ये विटामिन K1 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मोस्टली पाया जाता है। सेकेंड फॉर्म आती है विटामिन K2, जिसे आप मीनाक्विनोन के नाम से जानते हैं, और ये हमें एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। विटामिन K2 विटामिन K1 की तुलना में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 20 ईयर्स ओल्ड प्रीमी ग्रेविडा पेशेंट एडमिटेड विथ सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज गिवन इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट, द नर्स शुड ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक प्रीमी ग्रेविडा पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर के कारण मैग्नीशियम सल्फेट ट्रीटमेंट के रूप में दिया जा रहा है, इस सिचुएशन में किस चीज का असेसमेंट जरूरी है? ऑप्शंस आर यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवरली, ऑप्शन बी डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एवरी 4 आवरली, रेस्पायरेटरी रेट असेसमेंट बीपी एवरी 6 आवरली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर SGPGI एग्जाम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी किसी क्लाइंट को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा होता है, तो इसकी टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को असेसमेंट करना जरूरी होता है, जिसमें रेस्पायरेटरी रेट का कम हो जाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम माना जाता है। तो हम इस पेशेंट में रेस्पिरेशन रेट का लगातार असेसमेंट करेंगे, जिसके बिहाव पर यह निश्चित किया जा सके कि पर्सन में कहीं इस टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही। आइए अब जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है और कैसे इसे ट्रीट किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि अगर किसी वुमेन में 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा रहता है, तो आप इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे प्री एक्लेम्शिया के बारे में। प्री एक्लेम्शिया क्या है? 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद वुमेन में यदि हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया और पैथोलॉजिकल एडिमा देखने को मिले, तो ये प्री एक्लेम्शिया कंडीशन के होने को बताती है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने के बाद हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया और पैथोलॉजिकल एडिमा देखने को मिले, तो ये कंडीशन प्री एक्लेम्शिया कहलाती है। और याद रखिएगा, अगर इन तीनों कंडीशंस के साथ वुमन के अंदर कन्वल्जन्स या कोमा जैसी स्थिति हो जाए, सीजर्स या कोमा जैसी स्थिति आ जाए, तो ये कंडीशन फिर एक्लेम्शिया कहलाती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, एडिमा और इसके साथ सीजर्स या कोमा जैसी स्थिति बने, तो ये कंडीशन एक्लेम्शिया नाम से जानी जाती है। यहाँ पर इस कंडीशन के मैनेजमेंट के लिए वुमेन को सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दी जाती है, जिसमें फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग के रूप में लेबेटालोल दिया जाता है। लेबेटालोल ये एक बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर एजेंट है, जो कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है ये लेबेटालोल। और इसके साथ याद रखिएगा, यहाँ पर ACE इनहिबिटर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं। अगर इस कंडीशन से बात नहीं बन रही है, तो इसके बाद हम वुमेन को डायूरेटिक मेडिसिन दे सकते हैं। डायूरेटिक ड्रग्स के अंदर लेसिक्स या फ्लूसेमाइड दिया जा सकता है। यहाँ पर लेसिक्स का इंजेक्शन दिया जा सकता है। अगर वुमेन में फिर भी कंडीशन नहीं सुधर रही है, और अब वुमेन के अंदर जो
प्री एक्लेम्पसिया स्टेट है वो ज्यादा सीवियर हो रही है, तो यहाँ पर अब हम इसे MGSO4 नाम की मेडिसिन दे सकते हैं, इसे ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली प्री एक्लेम्पसिया के सीवियर स्टेट में होने पर इसे दिया जाता है ताकि वुमेन जो है एक्लेम्पसिया में ना कन्वर्ट हो जाए, उसमें कन्वल्जन्स या सीजर्स ना आए। MGSO4 जब ड्रग दी जा रही होती है तो हमें इसका थेरापूटिक लेवल लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए। थेरापूटिक लेवल, इसका नॉर्मल थेरापूटिक लेवल जो है 4 to 7 मिली इक्विलेंट पर लीटर के बीच में होना चाहिए। और अगर टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो अगर इस MGSO4 ड्रग का लेवल 12 से ऊपर जाता है, 12 मिली इक्विलेंट पर लीटर से ऊपर जाता है, तो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आ सकते हैं जिसके अंदर CNS डिप्रेशन इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है। और अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा तो इससे जो है रेस्पिरेशन भी डिक्रीज होने लगेगा, और इसी वजह से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में रेस्पिरेशन रेट को कैलकुलेट करेंगे ऐसा मानकर चल रहे थे। इसके अलावा एग्जाम में MGSO4 का एंटीडॉट भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है MGSO4 का एंटीडॉट। MGSO4 की यदि टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम एज अ एंटीडॉट यूज करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये पॉइंट यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन विच स्टेट ऑफ चाइना। कोरोना वायरस का पहला केस चाइना के किस स्टेट में आइडेंटिफाई हुआ था? बेंजीन में, शंघाई में, हुबोई में, टियानजिन में। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हुबोई में। कोरोना वायरस का पहला केस वुहान हुबोई प्रोविनेंस चाइना में आइडेंटिफाई किया गया था। आइए कोविड-19 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विकली रिवाइज कर लें। अपकमिंग SGPGI के एग्जाम में कोविड-19 से काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोविड-19 नाम किस बिहाफ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो कोविड का CO है इसका फुल फॉर्म होता है कोरोना। कोरोना VI का फुल फॉर्म हो गया वायरस, और D का मतलब हो गया डिजीज, और 19 का मतलब हो गया 2019 ईयर में जब ये आया था। तो कोविड-19 जब आप बोलते हैं तो उसके अंदर इसकी फुल फॉर्म छुपी होती है कोरोना वायरस डिजीज, जो कि 2019 में आया था। होपफुली अब आप इसे भूलेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं इसके कॉज की। कोविड-19 का कॉज है SARS-CoV-2, जिसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। एक बार फिर से देखिएगा, SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो कोविड-19 है वो किस तरह का वायरस है, DNA या RNA? तो याद रखिएगा कोविड-19 RNA वायरस है, एनकैप्सुलेटेड सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस। कोविड-19 का कॉज एनकैप्सुलेटेड यानी एनवेलप्ड या कवरिंग वाला सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कोविड का पहला केस पूरी दुनिया में कब आया था? विश्व भर में कोविड का सबसे पहला केस कब मिला था? तो डेट याद रखेंगे आप 17/11/2019, 17 नवंबर 2019 को चाइना के वुहान के हुबोई के शी फूड मार्केट के अंदर
पहला कोविड का केस मिला था? चाइना कंट्री में वुहान स्टेट के अंदर हुबोई प्रोविनेंस डिस्ट्रिक्ट में सी फूड मार्केट के अंदर पहला कोविड केस मिला था। डेट याद कर लीजिएगा, 17 नवंबर 2019। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि चाइना के बाहर किस देश में और कब पहला कोविड केस मिला था? तो याद रखिएगा, 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड कंट्री के अंदर पहला कोविड केस मिला। चाइना से बाहर थाईलैंड वह कंट्री है जहां पर सबसे पहले कोविड केस आइडेंटिफाई किया गया, और डेट याद रखिएगा, 13 जनवरी 2020। नेक्स्ट पूछा जाए आपसे कि भारत में कोविड-19 का पहला केस कब और कहाँ मिला, तो आप बताएंगे 30 जनवरी 2020 को केरला स्टेट के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, केरला स्टेट के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहला कोविड का केस मिला था। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया गया, तो आप बताएंगे 30 जनवरी 2020 को। 30 जनवरी 2020 को इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि SARS-CoV-2 किसके द्वारा नाम दिया गया था? तो याद रखिएगा, 11 फरवरी 2020 को इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस एंड वायरोलॉजी के द्वारा SARS-CoV-2 नाम दिया गया था। इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस एंड वायरोलॉजी। नेक्स्ट, SARS-CoV-2 नाम 11 फरवरी 2020 को इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी एंड वायरस द्वारा दिया गया, और इसी दिन कोविड-19 नाम दिया गया WHO के द्वारा। इस वायरस को, इस पेंडेमिक को WHO के द्वारा कोविड-19 कहा गया था 11 फरवरी 2020 को दिन। इस डिजीज कंडीशन को पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था 11 मार्च 2020 को। पैंडेमिक शब्द का मतलब है ऐसी कोई भी डिजीज कंडीशन जो अचानक से किसी पूरे देश या पूरे विश्व में फैल जाए, उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। तो कोविड-19 को पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था 11 मार्च 2020 को। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए कि कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है, तो आप बताएंगे 2 से 14 दिनों का। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है पर्सन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ जाए और वहां से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होने तक का समय। तो इंक्यूबेशन पीरियड होगा इसका 2 से 14 दिनों का, और एवरेज कहा जाए तो 5 डेज आप बता सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा, एयरबोर्न और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। कोविड-19 को पहले कोरोना नाम दिया गया। कोरोना शब्द का मतलब होता है क्राउन लाइक अपीरियंस, यानी किसी पर्सन को जो क्राउन पहनाया जाता है, सिर पे ताज पहनाया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस डायग्राम में बताए अनुसार होती है। इसमें प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, स्पाइक्स निकले होते हैं, तो इसी अपीरियंस के कारण इसे कोरोना नाम दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोविड को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। कोविड के डायग्नोसिस के लिए हम RT-PCR टेस्ट करवाते हैं। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कोविड-19 या कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में माना जाता है। इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट के लिए जो सैंपल है वो नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स एरिया से लिए जाते हैं।
नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स एयर्स एरिया से सैंपल लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है डायग्नोसिस के अनदर रिलायबल मेथड के बारे में, जो कि सीटी स्कैन के रूप में देखा जाता है। कोविड के समय आपने सीटी स्कैन को एचआरसीटी बोला था, हाईली रेजोनेंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन या हाईली रेजोनेंस सीटी स्कैन। इस टेस्ट के द्वारा बेसिकली हम कोविड की एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इन्फेक्शन को ट्रेस करते थे, पता करते थे। जैसे कि मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का दोनों लंग्स हैं, इस लंग्स के अंदर 5 लोब्स होते हैं, जैसे कि राइट लंग जो है 3 लोब्स में डिवाइडेड रहता है और लेफ्ट लंग 2 लोब्स के अंदर डिवाइड रहता है। हर लंग को हमने मैक्सिमम 5 स्कोर दिया था और इस टेस्ट का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो 25 होता है, और इसके अंदर अगर स्कोर 7 से 7 या इससे कम आता है तो माइल्ड इन्फेक्शन कहेंगे, 8 to 17 के बीच होगा तो मॉडरेट इन्फेक्शन माना जाएगा, और 17 से ज़्यादा अगर रिजल्ट आता है तो हम इसे सीवियर कैटेगरी के अंदर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज बीन प्लेस्ड इन बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन व्हाइल अवेटिंग सर्जिकल रिपेयर ऑफ अ फ्रैक्चर्ड फीमर विथ व्हाट शुड द नर्स चेक टू परफॉर्म अ कंप्लीट न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। आपके पास एक पेशेंट आया है जिसमें जांग की हड्डी टूट गई है, यानी फीमर बोन का फ्रैक्चर है। जब तक इस पेशेंट में ऑपरेशन नहीं हो जाता, तब तक के लिए आपने पेशेंट में मसल स्पाज्म ना आए और पैर को स्थिर रखने के लिए, इमोबिलाइज करने के लिए वर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन लगाया है। अब इस क्लाइंट के अंदर आपको न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट करना है, तो इसके लिए आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? एक बार फिर से आप इस चीज को समझिएगा। अगर किसी क्लाइंट के, जैसे मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और इस पेशेंट की फीमर बोन जो है, जांग की हड्डी है, वो टूट चुकी है, यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया है, इस जगह पर फ्रैक्चर हो गया है, दिस इज फीमर बोन। अब आपने क्या किया, इस पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर आए और फिर उसके बाद इसके लोअर लिम्ब पर इस तरह से बैंडेजिंग लगाकर, यहाँ पर एक हुक लगाकर एक वेट लटका दिया ताकि पर्सन का पैर इस डायरेक्शन में आगे सीधा खिंचा हुआ रहे, और इसे ही आप वर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इस ट्रैक्शन को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब तक पेशेंट में ऑपरेशन नहीं हो जाता, सर्जिकल रिपेयर नहीं हो जाता, तब तक पेशेंट के पैर में दर्द नहीं हो, मसल स्पाज्म नहीं आए और पेशेंट इसमें मूवमेंट नहीं करे, नहीं तो और ज्यादा डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकता है। तो इस चीज से प्रिवेंशन के लिए आपने ट्रैक्शन लगाया। अब ट्रैक्शन लगाने के बाद आपको ये पता करना है कि सब कुछ इस पैर में ठीक है, न्यूरोवेस्कुलर कंडीशंस बेहतर है, तो आप इसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे? ऑप्शन 1, वाइटल साइंस एंड बाइलेटरल लंग साउंड्स, वार्म्थ ऑफ द स्किन एंड द टेम्परेचर इन अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, पेन लेवल एंड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एडिमा इन अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, कलर सेंसेशन, मूवमेंट, कैपिलरी रिफिल एंड पल्स ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट परफॉर्म करने का बेस्ट तरीका कौन सा है? यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। अगर किसी क्लाइंट के अंदर ट्रैक्शन लगा है और आप ये देखना चाहते हैं कि उसकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स दब तो नहीं रही हैं, उन पर ज्यादा प्रेशर तो नहीं, किसी तरह का फ्रैक्चर के कारण वहां डैमेज तो नहीं हुआ है, तो इस चीज को चेक करने के लिए न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट किया जाता है। इस न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट में हम अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी का कलर देखते हैं, वहां पर टच करके पेशेंट से पूछते हैं कि उसे सेंसेशन हो रहा है, हल्की फुल्की मूवमेंट करने के लिए कहते हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम को चेक किया जाता है,
और डिस्टल एरिया में पल्स है या नहीं इस चीज को चेक किया जाता है। यानी कि हमने टोटल 5 चीजों को चेक करके न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट परफॉर्म किया। सबसे पहले कलर, यानी देखने में वो कैसा है, फिर उसे टच किया, सेंसेशन है या नहीं, फिर पेशेंट से हल्की मूवमेंट के लिए कहा, फिर कैपिलरी रिफिल चेक किया, और फाइनली डिस्टल पार्ट में दूर वाले हिस्से में पल्स है या नहीं इस चीज का असेसमेंट किया। तो ये 5 चीजें करके आप न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन एंड हैज रेडनेस विद स्वेलिंग एट साइट ऑफ आईवी, द नर्स मस्ट। किसी पेशेंट में आपने आईवी ड्रिप लगाया या कैन्यूला लगाया और थोड़ी देर बाद पेशेंट को उस जगह पर पेन होने लगता है, वो एरिया रेड हो जाता है और उस जगह पर स्वेलिंग हो जाती है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? एक बार फिर से समझिएगा। पेशेंट में आपने आईवी लाइन लगाई और थोड़ी देर बाद पेशेंट को उस एरिया में पेन होता है, वो एरिया रेड हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईवी कैन्यूला। इन्फ्यूजन यानी ड्रिप रोक कर कैन्यूला निकाल देंगे। स्टार्ट नेजल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शुरू कर देंगे। चेंज आईवी ट्यूबिंग एंड द सॉल्यूशन, आईवी ट्यूब चेंज करके सॉल्यूशन बदल देंगे। अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक्स टू द रेडेंट एरिया। जिस जगह पर रेड हुआ है उस जगह पर वार्म मॉइस्ट पैक अप्लाई करेंगे। जब भी किसी क्लाइंट में कैन्यूला या आईवी लाइन लगी होती है और उस जगह पर स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, डिस्कम्फर्ट जैसी कोई भी कंडीशन बने, तो सबसे पहले आपको आईवी लाइन को रोकना है, इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है और उस जगह से कैन्यूला अगर लगा है तो उसे निकाल देना है। ये सबसे सही तरीका माना जाता है। इस तरह की कंडीशन होने के पीछे दो बड़ी वजह होती हैं, दो बड़ी कंडीशंस होती हैं। एक फ्लेबाइटिस हो सकता है, दूसरा इनफिल्ट्रेशन हो सकता है। फ्लेबाइटिस क्या है? फ्लेबाइटिस का मतलब है जिस वेन के अंदर आपने आईवी लाइन लगाई है उस जगह पर आईवी लाइन के कारण, इरिटेशन के कारण उस जगह पर पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग हो जाना। जैसे कि मान लीजिए ये रेड कलर की ब्लड वेसल है और ये आपने यहाँ से निडल इंसर्ट की। जब आपने पेशेंट में ये आईवी लाइन इंसर्ट की थी तो इस आईवी लाइन के कारण ये ब्लड वेसल इरिटेट हुई, इसमें बार बार यहाँ पर टच होने से स्वेलिंग हुई और ये कंडीशन फ्लेबाइटिस कहलाती है। ब्लड वेसल का स्वेल हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना फ्लेबाइटिस है, और फ्लेबाइटिस के होने पर पेशेंट में उस जगह पर पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग देखने को मिलेगा और इसके बाद पेशेंट में जो फ्लो रेट है आईवी लाइन की वो धीरे धीरे कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। इन्फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो जब आपने पेशेंट में आईवी लाइन लगाई थी तब ये आईवी निडल, आईवी लाइन ब्लड वेसल को पंचर करते हुए आर पार निकल जाए, यानी ब्लड वेसल से बाहर निकल जाए और इसके द्वारा जो फ्लूइड आप डिलीवर कर रहे हैं वो ब्लड वेसल में ना जाकर आसपास के टिश्यू में इकट्ठा होने लगे, जिसके कारण वहां पर स्वेलिंग आ जाए और टच करने पर आसपास की स्किन की तुलना में ये जगह ठंडी महसूस हो और एडिमा देखने को मिले, तो ये इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। फ्लेबाइटिस और इनफिल्ट्रेशन को जब अगर आप मोटा मोटा तौर पर देखते हैं तो ये देखने में एक जैसी चीजें लगती हैं, लेकिन जब आप स्किन को टच करेंगे और टच करने पर वहां पर कूल सेंसेशन होता है तो ये इनफिल्ट्रेशन कहलाएगा, और टच करने पर टेंडरनेस का फील होना फ्लेबाइटिस कहलाएगा। ये इसमें मेजर डिफरेंस होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल रेटिक्यूलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड इज, ब्लड का नॉर्मल रेटिक्यूलोसाइट काउंट कितना होता है? 1 से 2%, 5%, 10%, 25%। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 to 2%। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड कार्पसल्स पाई जाती हैं, आरबीसी पाई जाती हैं, इसकी लास्ट इमेच्योर स्टेज जो है उसे हम रेटिक्यूलोसाइट के नाम से जानते हैं। आरबीसी की लास्ट इमेच्योर स्टेट रेटिक्यूलोसाइट के रूप में जानी जाती है, और अगर रेटिक्यूलोसाइट का हमारे ब्लड में लेवल 1 से 2% है तो इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर 98% मैच्योर आरबीसी है, जो कि एक अच्छी बात है, और सिर्फ 2% इमैच्योर आरबीसीज हैं, तो इसका मतलब है पर्सन हेल्दी है। एक बार फिर से समझिएगा, आरबीसी को कंप्लीटली मैच्योर होने के लिए, पूरी तरह से परिपक्व होने के लिए अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरना होता है। जब आरबीसी रेटिक्यूलोसाइट स्टेज के अंदर होती है तब हम ये मान लेते हैं कि अब आरबीसी बस मैच्योर होने ही वाली है, रेटिक्यूलोसाइट लास्ट इमैच्योर स्टेज मानी जाती है। और अगर हमारे ब्लड में 2% तक रेटिक्यूलोसाइट काउंट है तो इसका मतलब है कि हमारा ब्लड बेहतर है, आरबीसी की संख्या बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंदे मातरम स्कीम इज वर्किंग अंडर विच प्रोग्राम, वंदे मातरम स्कीम इनमें से किस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है? आरसीएच प्रोग्राम, जेएसवाई प्रोग्राम, आईएमएनसीआई प्रोग्राम, आईसीडीएस प्रोग्राम। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, वंदे मातरम स्कीम आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वंदे मातरम स्कीम कब लॉन्च की गई थी तो आप बता सकते हैं 9 फरवरी 2004 को, 9 फरवरी 2004 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था सेफ मदरहुड सर्विसेज को प्रमोट करना और मैटरनल और नियोनेटल डेथ रेट को कम करना। एक बार फिर से समझिएगा, वंदे मातरम प्रोग्राम जो था वो 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य सेफ मदरहुड सर्विसेज को प्रमोट करना और मैटरनल एंड नियोनेटल डेथ्स को कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स आर, मोस्टली गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए कौन सी पोजीशन यूज की जाती है? लिथोटोमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन या फिर सिम्स पोजीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ज्यादातर जो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें लिथोटोमी पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस पोजीशन को देने के लिए पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए कहते हैं, और उसके बाद उसके लोअर लिम्ब को यानी पैरों को हिप एरिया और नी एरिया से राइट एंगल पर फ्लेक्स करने के लिए कहते हैं, यानी पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ने के लिए कहते हैं। इस प्रकार से पोजीशन कुछ ऐसी बनेगी, जैसे मान लीजिए ये पेशेंट का हेड है, ये इसके अपर लिम्स हैं और ये उसका लोअर बॉडी पार्ट है। अब यहाँ पर ये अपने हिप्स वाले एरिया से अपने पैरों को फ्लेक्स करेगा, यानी कूल्हे के पास से पैरों को मोड़ेगा, और फिर घुटने के पास से पैरों को मोड़ेगा 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये इस प्रकार की कुछ पोजीशन बनेगी, और इसके जो पैर हैं यहाँ पर स्ट्रिम्स के सपोर्ट से यहाँ पर इस प्रकार से रहेंगे, यानी पैरों को इस प्रकार से ऊपर हवा में रोक कर रखा जाएगा। इस प्रकार की जो पोजीशनिंग है उसके बारे में आप चाहें तो नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं,
अगर वेजाइनल डिलीवरी है, वेजाइनल डिलीवरी के समय ऐसी पोजीशन दी जाती है। इसके अलावा किसी क्लाइंट में कोई रेक्टल सर्जरी हो रही है, रेक्टल सर्जरी के समय ये पोजीशन दी जा सकती है। इसके अलावा हिस्टरेक्टोमी यानी यूट्रस को अगर रिमूव करना है तो उस समय ये पोजीशन काम में ली जा सकती है। और ये जो लिथोटोमी पोजीशन है, ये अर्थराइटिस और जॉइंट डिफॉर्मिटी वाले पेशेंट्स को नहीं धोनी होती, ये उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोस्टपार्टम वुमेन हैविंग ब्लीडिंग विद इन अ डे आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड एज। अगर किसी पोस्टपार्टम वुमेन को डिलीवरी के पहले ही दिन एक्सेस ब्लीडिंग हो तो इसे क्या कहा जाएगा? प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, थर्ड स्टेज हैमरेज या फिर ट्रू पोस्टपार्टम हैमरेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एसजीपीजीआई, एम्स नॉरसेट। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, इट इज कॉल्ड प्राइमरी पीपीएच। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। पीपीएच का फुल फॉर्म होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग। अगर किसी वुमेन को डिलीवरी के बाद 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो ये पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। एक बार फिर से समझिएगा, डिलीवरी के बाद 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस का होना पोस्टपार्टम हेमरेज के रूप में जाना जाता है। पोस्टपार्टम हेमरेज दो प्रकार का होता है, पहला है प्राइमरी पीपीएच और दूसरा होता है सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज को हम अर्ली पीपीएच के नाम से भी जानते हैं और सेकेंडरी पीपीएच को लेट पीपीएच कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्राइमरी पीपीएच है वो डिलीवरी होने के बाद पहले 24 घंटे में होने वाली ब्लीडिंग है। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद पहले 24 घंटों में 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस का होना अर्ली या प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। और अगर आपसे इसका कॉज पूछ लिया जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, क्यों ये होता है, तो आप बता सकते हैं एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस का मतलब है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस का ना हो पाना, यूट्रस में टोन का नहीं होना। डिलीवरी के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और कॉन्ट्रैक्शंस के कारण यूट्रस की जो ओपन ब्लड वेसल्स हैं उन पर दबाव पड़ता है, कंप्रेशन होता है, जिसके कारण वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर डिलीवरी के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे तो इन ब्लड वेसल्स पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, और प्रेशर नहीं पड़ेगा तो ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी, और यही चीज एटोनिक यूट्रस के कारण होने वाला अर्ली पीपीएच है। सेकेंडरी पीपीएच की बात की जाए तो डिलीवरी होने के बाद 24 घंटे निकल जाएं और उसके बाद 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो तो इसे आप सेकेंडरी पीपीएच का नाम देते हैं। सेकेंडरी पीपीएच का मेन कॉज होता है रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रैगमेंट्स। डिलीवरी के दौरान प्लेसेंटा तो बाहर आ गया, लेकिन प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा अगर यूट्रस में अभी भी मौजूद है तो इसके कारण डिलीवरी के 24 घंटे बाद हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ये इस सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज भी है। रिटेन्ड प्लेसेंटा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी और लेट पीपीएच। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी? इवान पावलोव, बी एफ स्किनर, वॉटसन, एर्नॉल्ड।
ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इवान पावलोव के द्वारा दी गई थी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इवान पावलोव ने दी थी। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो आप बताएंगे बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। आइए अब बात कर लेते हैं एच डी आई के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। एच डी आई इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एच डी आई है, उसे किसने रिलीज किया था, तो आप बताएंगे एच डी आई इज रिलीज्ड बाय यूएनडीपी, और यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। द एच डी आई इज कंपोज्ड ऑफ थ्री प्रिंसिपल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। एच डी आई के लिए तीन इम्पॉर्टेंट बेसिक चीजें इम्पॉर्टेंट हैं जिसके बिहाव पर इसका निर्धारण किया जाता है। एच डी आई को पता करने के लिए तीन चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा नॉलेज। नॉलेज का मतलब है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और फाइनली आता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी हर व्यक्ति की वहां पर कितनी आमदनी है। यानी कि देखिए, तीन चीजें यहाँ पर क्या क्या हो गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म के समय उसके जीवित रहने की कितनी संभावना है। दूसरी बात, उसमें एजुकेशन लेवल क्या है। और तीसरी बात, वो कितना कमाता है, यानी उसका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितना है। अगर ये तीन चीजें हमें पता हो तो हम किसी भी कंट्री का एच डी आई निकाल सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शंस। इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेलेक्ट करना है आपको। मीजल्स वैक्सीन शुड बी गिवन एट 9 months ऑफ एज। मीजल्स वैक्सीन 9 महीने की उम्र पर लगाया जाता है। ऑप्शन बी, डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज 0.5 ml IM एट बर्थ, 1 month एंड 6 months एज। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 1 महीने और 6 महीने की उम्र पर IM रूट से 0.5 ml की डोज के साथ लगाया जाता है। ऑप्शन सी, BCG वैक्सीन गिवन एट बर्थ विया इंट्राडर्मल रूट, डोज 0.05 ml टू प्रिवेंट टीबी। BCG वैक्सीन जन्म के समय इंट्राडर्मल रूट से 0.05 डोज के साथ दिया जाता है, जो कि टीबी डिजीज से प्रिवेंशन पहुंचाता है। ऑप्शन डी, रोटा वायरस वैक्सीन गिवन बाय इंट्रानेजल रूट। रोटा वायरस वैक्सीन इंट्रानेजल रूट से दिया जाता है। यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही माना जाएगा। रोटा वायरस वैक्सीन को कभी भी इंट्रानेजल रूट से नहीं देते, इसे हमेशा ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। आइए वैक्सीन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हें रिवाइज कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे BCG वैक्सीन की। BCG वैक्सीन का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बेसिलस कालमेटे गुवेरिन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG। इसके बाद ये एक लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। इसे माइकोबैक्टीरियम बॉवियन द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। माइको बैक्टीरियम बोवेन। और अगर आपसे इसके स्ट्रेन के बारे में पूछ लिया जाए तो इसके अंदर डैनिश डैनिश 1331 स्ट्रेन उपयोग किया जाता है। BCG वैक्सीन के बारे में हमने चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म
बेसिलस कालमेटी गुवेरिन, ये लाइव टाइप का वैक्सीन है। माइकोबैक्टीरियम बोविन द्वारा तैयार किया जाता है और इसका स्ट्रेन यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे डेनिश 1331। ये डिजीज कंडीशन टीबी डिजीज से प्रोटेक्शन, सॉरी, ये वैक्सीन टीबी डिजीज से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। इस वैक्सीन की डोज की यदि बात की जाए तो अगर ये एट बर्थ लगाई जा रही है, जन्म के समय किसी बच्चे को लगाया जा रहा है, तो 0.05 ml इसकी डोज होती है और फिर इसे आप 1 साल तक की एज तक लगा सकते हैं, अप टू 1 ईयर ऑफ एज तक इसे आप लगा सकते हैं और उस समय इसकी डोज होगी 0.1 ml। अगर इस वैक्सीन को आप बच्चे में जन्म के समय दे रहे हैं तो इसकी डोज होगी 0.05 ml और अगर 1 साल तक इसको फिर कभी लगाया जा रहा है तो इसकी डोज होगी 0.1 ml। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इसका रिकॉन्स्टिट्यूएंट किस सॉल्यूशन के साथ किया जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इसे तैयार करने के लिए किसमें मिक्स किया जाता है, तो याद रखिएगा नॉर्मल सेलाइन एनएस के अंदर इसे डिसॉल्व करके तैयार किया जाता है और काम में लिया जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसे आप 4 से 6 आवर्स के अंदर यूज कर लेंगे, यूज विद इन 4 to 6 आवर्स, यानी एक बार आपने इसे नॉर्मल सेलाइन में डिसॉल्व कर लिया तो फिर 4 से 6 घंटे के अंदर आपको इसे यूज करना है। अगर इस समय में ये यूज नहीं हो पाता तो फिर आप इसे डिस्कार्ड कर देंगे। अगर एक एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर 4 आवर्स कह सकते हैं। ड्यूरेशन अगर टाइम पीरियड में दी जाए तो 4 to 6 आवर्स तक आप इसे यूज कर सकते हैं और एग्जैक्ट लेकिन पूछा जाए तो आप बताएंगे 4 आवर्स तक आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट हम फिर इसके बारे में बात करेंगे, इसे किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। तो रूट के बारे में आप इसके लिख लीजिएगा, रूट इसका इंट्रा डर्मल होता है, इंट्रा डर्मल। इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बारे में आप सभी जानते हैं कि इस इंजेक्शन को 15 डिग्री के एंगल से लगाया जाता है और इसकी साइट के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा बताएंगे लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म। यहाँ पर लिख लीजिएगा डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड मसल के अंदर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब इसके इसके यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जो कि परमानेंट निशान छोड़ता है, परमानेंट स्कार फॉर्म करवाता है, इट लीव्स परमानेंट स्कार। ये ऐसा वैक्सीन है जो कि परमानेंट स्कार छोड़ता है और आप अपने लेफ्ट अपर आर्म में अगर कंधे के पास देखेंगे तो आपको एक व्हील शेप्ड स्कार देखने को मिलेगा। ये निशान बीसीजी वैक्सीन का ही है। अब इस वैक्सीन को लगाने के लिए जिस सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ओमेगा स्टेट सिरिंज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सिरिंज यूज्ड ओमेगा स्टेट, और ये जो है 26 गॉज साइज की होती है। बीसीजी वैक्सीन लगाने के लिए ओमेगा स्टेट नाम की सिरिंज यूज की जाती है और इसका साइज 26 गॉज का होता है। इस वैक्सीन को आप 2 से 6 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। स्टोरेज का टेम्परेचर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर इस वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्कार फॉर्मेशन होता है वो कितने समय में हो जाता है तो आप बता सकते हैं कि लगभग यहाँ पर जो स्कार फॉर्मेशन का एग्जैक्ट टाइम यदि देखा जाए तो करीब 6 to 12 वीक्स होता है, यानी कि इस वैक्सीन को लगाने के 12 सप्ताह बाद परमानेंट निशान देखने को मिलेगा। 12 सप्ताह का मतलब हो गया लगभग 3 महीने। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर
कौन सा वैक्सीन दिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में। हेडिंग नोट कर लीजिएगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। मेनली ये वैक्सीन जो है अभी पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दिया जा रहा है, पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ इसे दिया जाता है। इस वैक्सीन की अगर खाली हेपेटाइटिस बी की बात की जाए तो इसकी जो फर्स्ट डोज होती है जो कि जन्म के समय दी जाती है, इसे हम जीरो डोज के नाम से जानते हैं और इसे विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ एडमिनिस्टर किया जाता है और इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml होता है। इसका रूट होता है इंट्रामस्क्यूलर। न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में आपको पता ही है, 3 साल की उम्र तक जितने भी इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शंस लगते हैं वो सभी बच्चे के जांघों पे लगते हैं, थाइस पर लगते हैं, और थाइस के अंदर जो मसल्स होती है उसमें उसे आप वेस्टस लेटरलिस मसल के नाम से जानते हैं। वेस्टस लेटरलिस यानी वेस्टस लेटरलिस मसल में IM 0.5 डोज के साथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को जन्म के समय दिया जाता है। नेक्स्ट वैक्सीन की बात करेंगे मीजल्स वैक्सीन के बारे में। हेडिंग नोट करिएगा, मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन जो है आपका लाइव वैक्सीन के रूप में आता है और इसकी डोज की यदि बात की जाए तो 0.5 ml इसकी डोज होती है और इसे सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। अपर आर्म में इसे लगाया जाता है और इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है डिस्टिल वाटर के साथ। याद रखिएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसे डिजॉल्व करके तैयार किया जाता है डिस्टिल वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ। डिस्टिल वाटर को आप स्टेराइल वाटर के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपसे इसका टाइम पूछ लिया जाए कि कब लगाया जाता है तो आप बताएंगे 9 मंथ्स पर इसकी फर्स्ट डोज लगाई जाती है। इसकी फर्स्ट डोज जो है 9 मंथ्स पर लगाई जाती है और इस मीजल्स की डोज फर्स्ट डोज के साथ विटामिन ए बी ओरल रूट से दिया जाता है। स्टोरेज की बात करें तो ड्राइड फॉर्म के अंदर, इसे -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है और रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद इसे 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। इस तरह से ये इसका स्टोरेज ड्यूरेशन हो गया। और इस वैक्सीन के कारण टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो सकती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करने वाला ये वैक्सीन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोटा वायरस वैक्सीन की। रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन जो है बच्चों में डायरिया का मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है रोटा वायरस, उससे प्रिवेंशन के लिए लगाया दिया जाता है। इसे हमेशा ओरल रूट द्वारा एडमिनिस्टर करते हैं और 5 ड्रॉप्स इसकी डोज होती है। रोटा वायरस वैक्सीन ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, 5 ड्रॉप्स इसकी डोज होती है और ये डायरिया से प्रिवेंशन करने के लिए दिया जाता है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूजुअल साइट ऑफ इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन अ नर्स विल चूज इन अ अडल्ट फॉर जेड ट्रैक टेक्निक। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जितनी भी ऑयल बेस्ड मेडिसिन होती हैं जो कि स्किन इरिटेशन या स्किन स्टेनिंग कर सकती हैं, उन्हें हम जेड ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डीप मसल्स के अंदर लगाते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से डीप मसल्स में इंजेक्शन लगाने के लिए किस एरिया या किस साइट का चुनाव किया जाएगा, डेल्टॉइड, रेक्टस फिमोरेस, वेंट्रोग्लूटियल, वेस्टस लेटरालिस।
सही जवाब है वेंट्रोग्लूटियल मसल्स। वेंट्रोग्लूटियल मसल आपके लोअर बैक एरिया में मौजूद होते हैं। मान लीजिए ये कोई पेशेंट है, इस पेशेंट का ये हिप वाला एरिया है, इसमें बैक पोर्शन में हिप से थोड़ा ऊपर जो रेड कलर से एरिया आप देख रहे हैं दोनों साइड में कमर के, इस जगह पर ग्लूटियल मीडियस मसल पाया जाता है। ग्लूटियल मीडियस मसल पाया जाता है और इस जगह पर जो हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं उसे वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन साइट के रूप में जाना जाता है, वेंट्रोग्लूटियल मसल साइट। और इससे जस्ट नीचे ग्लूटियस मैक्सिमस नाम का मसल का एक बहुत बड़ा एरिया पाया जाता है, और अगर इस जगह पर आप कहीं इंजेक्शन लगाते हैं तो इसे डॉर्सो ग्लूटियल इंजेक्शन साइट के रूप में जाना जाता है। मोस्टली आप याद रखिएगा इंजेक्शन लगाते समय आपको इसी एरिया के आसपास यानी जो रेड कलर का एरिया है यहीं पर आसपास इंजेक्शन लगाना है, इससे नीचे ग्लूटियस मैक्सिमस में इंजेक्शन नहीं लगाया जाता क्योंकि यहाँ पर नर्व सप्लाई पाई जाती है और अगर आपने उसे पंचर कर दिया तो पर्सन में पैरालिसिस कंडीशन हो सकती है। तो याद रखिएगा ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस दो मसल्स पाए जाते हैं बटक्स एरिया में, इन जगह पर हम आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली साइट आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे ग्लूटियस मीडियस। इसके अलावा यहाँ पर डेल्टोइड साइट दी गई है। डेल्टोइड आपके अपर आर्म में होती है शोल्डर के पास, जहां पर आप 0.5 से 1 ml तक का डोज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टस फिमोरिस और वेस्टस लेटरलिस मसल्स की। वेस्टस लेटरलिस मसल्स के बारे में आप जानते होंगे, ये न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने की बेस्ट साइट मानी जाती है। न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर जो थाइस का एरिया होता है, जांघों का एरिया होता है, वहां पर 3 लेयर में मसल्स पाए जाते हैं। जो सबसे बाहर आप देख रहे हैं जांग में हरे कलर से अपन ने ड्रॉ किया है, इसे वेस्टस लेटरलिस मसल्स कहते हैं और इसी जगह पर आपको बच्चों में न्यूबॉर्न बेबीज में इंजेक्शन लगाना होता है। बच्चे को आपने लेटाया और उसके बाद उसके जांग में बाहर की तरफ वाले मसल में इंजेक्शन लगाना है और इसे ही वेस्टस लेटरलिस कहा जाता है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में ये मसल इस समय सबसे ज्यादा डेवलप होता है। इसके बाद जो बीच में आप रेड कलर से मसल्स देख रहे हैं दोनों थाइस के अंदर, इसे रेक्टस फिमोरिस कहते हैं और सबसे जो अंदर की तरफ मौजूद मसल है इसे वेस्टस मीडियालिस का नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा वेस्टस लेटरलिस, रेक्टस फिमोरिस, वेस्टस मीडियालिस, ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मीडियस और डेल्टोइड, ये सभी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स शुड मेक विच स्टेटमेंट टू अ प्रेग्नेंट क्लाइंट फाउंड टू हैव अ गायनेकोइड पेल्विस। अगर किसी फीमेल में गायनेकोइड टाइप का पेल्विस है तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही माना जाएगा? ऑप्शन वन, योर टाइप ऑफ पेल्विस हैज नैरो प्यूबिक आर्च, आपका पेल्विस नैरो प्यूबिक आर्च वाला है। ऑप्शन टू, योर टाइप ऑफ पेल्विस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ, आपका पेल्विस डिलीवरी और बर्थ के लिए बहुत ही बेहतर पेल्विस है। ऑप्शन थ्री, योर टाइप ऑफ पेल्विस इज वाइड पेल्विस बट इट हैज अ शॉर्ट डायमीटर, गायनेकोइड पेल्विस वाइड पेल्विस है लेकिन इसका जो डायमीटर है वो काफी शॉर्ट है। ऑप्शन फोर, यू विल नीड अ सिजेरियन सेक्शन बिकॉज दिस टाइप ऑफ पेल्विस इज नॉट फेवरेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी, आपको सिजेरियन सेक्शन यानी ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी करवानी होगी क्योंकि इस प्रकार के पेल्विस में वेजाइनल डिलीवरी संभव नहीं हो सकती। गायनेकोइड टाइप पेल्विस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? यस, ऑप्शन टू इज करेक्ट हियर।
गायनेको एक टाइप का जो पेल्विस होता है, ये वुमेन्स में पाया जाने वाला सबसे कंफर्टेबल बेस्ट पेल्विस माना जाता है लेबर और डिलीवरी के लिए। आइए इसके बारे में और जान लें। गायनेकोइड पेल्विस नॉर्मल फीमेल पेल्विस माना जाता है और डिलीवरी के लिए मोस्ट फेवरेबल है, और ज्यादातर वुमेन में इसी प्रकार का पेल्विस देखने को मिलता है। सेकेंड हम बात करते हैं एंड्रॉइड पेल्विस की। इसका जो इनलेट होता है वो हार्ट शेप्ड होता है और इसे हम मेल पेल्विस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर नैरो पेल्विक प्लेन्स देखने को मिलते हैं और इसे लेबर के लिए फेवरेबल नहीं माना जाता। थर्ड टाइप का पेल्विस होता है एंथ्रोपोइड पेल्विस। इसमें जो आउटलेट है वो तो एडिक्वेट होता है, लेकिन इसकी जो प्यूबिक आर्च है वो नैरो होती है। लास्ट में आता है आपका प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। ये फ्लैट टाइप का पेल्विस है। इसके अंदर वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर्स होते हैं, लेकिन जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो काफी छोटा होता है, और इसकी वजह से इसे हम चाइल्ड बर्थ के लिए बेहतर नहीं मानते, एडिक्वेट नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ लेवल इज लेस देन 20, देन टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन विल बी। अगर किसी क्लाइंट में आईक्यू लेवल 20 से कम हो तो ये किस प्रकार की मेंटल रिटार्डेशन कहलाएगी? मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट या प्रोफाउंड। यहां पर इस ऑप्शन को आप इग्नोर करिएगा। 1 और 3 दोनों में सेम ऑप्शन है, टाइपिंग एरर है। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर, प्रोफाउंड। अगर किसी व्यक्ति में आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्वेश्चन लेवल 20 से कम है तो इसे प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन कहेंगे। आइए आईक्यू लेवल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी पर्सन के अंदर यदि आपको आईक्यू लेवल पता करना हो, उसकी मानसिक क्षमता को पता करना हो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को पता करना हो, तो उसकी मेंटल एज में क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड किया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। MA का मतलब है मेंटल एज और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी बच्चे की उम्र कितनी है ये क्रोनोलॉजिकल एज है, यानी 9 साल, 10 साल, 5 साल, 4 साल, 15 साल, जो भी है, और वो किस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है, ये इसकी मेंटल एज कहलाती है। तो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, जो वैल्यू आएगी वो IQ लेवल कहलाएगा। अगर किसी पर्सन के अंदर IQ लेवल 110 से ज्यादा होता है तो हम उसे इंटेलिजेंट का नाम देते हैं। अगर IQ लेवल नॉर्मल 90 से 110 के बीच में है, 90 से 110 के बीच में है, तो ये नॉर्मल IQ लेवल माना जाता है। 70 से 89 के बीच में पुअर IQ लेवल माना जाता है, और 70 से कम IQ लेवल होने पर मेंटली रिटार्डेड पर्सन कहा जाता है। मेंटल रिटार्डेशन को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर IQ लेवल 50 से 70 के बीच में है तो आप इसे माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का नाम देंगे। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, और इस तरह के पर्संस को हम एजुकेट कर सकते हैं। अगर IQ लेवल 35 से 50 के बीच में हो तो इसे मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन का नाम देते हैं। इस प्रकार के पर्संस को हम ट्रेनिंग देकर जीविका चलाने योग्य बना सकते हैं। थर्ड टाइप आता है सीवियर मेंटल रिटार्डेड पर्सन, जिसमें IQ लेवल 20 से 35 के बीच देखने को मिलता है, और ये पर्सन टोटली दूसरों पर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ये अपना डेली एक्टिविटी ऑफ लिविंग का छोटा से छोटा काम भी नहीं कर पाते। और अगर किसी क्लाइंट के अंदर IQ लेवल 20 से कम हो तो आप इसे प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड पर्सन कहेंगे, और इस प्रकार के पर्सन को लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इन्हें आप पूरी तरह से अपनी कस्टडी के अंदर रखते हैं।
तो इस तरह से हमने मेंटल रिटार्डेशन को चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। आप चाहे तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपकमिंग SGPGI और NORSET एग्जाम्स को लेकर हर रात 8 बजे इस चैनल पर वीडियोस अपलोड किए जाते हैं।